हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंग्लिश लवर्स में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोनेट को। बहुत ही फेमस पोइट्री की फॉर्म है और अक्सर इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाता है। तो फ्रेंड्स, सोनेट के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है, द टर्म सोनेट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन सोनेटो, यानी जो सोनेट को ड्राइव किया गया वो इटालियन वर्ड सोनेटो से किया गया। सोनेटो मीन्स अ लिटिल साउंड। सोनेटो वर्ड का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है एक छोटी सी साउंड। इन ओल्डन डेज इट वॉज कम्पोज टू बी संग विद द ल्यूट एंड मैंडोलिन। ल्यूट और मैंडोलिन ये वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले। पुराने समय में सोनेट को कंपोज किया जाता था, बनाया जाता था कि इसे आप ल्यूट और मैंडोलिन के साथ में गा सकें। ओके, तो कई बार अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि सोनेट को किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता था, तो उसमें आप ल्यूट और मैंडोलिन अपना आंसर लगाएंगे। सोनेट इज़ अ 14 लाइन्स पोएम। ओके, ये बात सबको पता होगी, बहुत ही बेसिक बात है कि भाई जो सोनेट होती है वो एक 14 लाइन की पोएम होती है। द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट्स अपीयर इन टोटल्स मिसेलनी ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले जो सोनेट्स मिली वो एक टोटल्स मिसेलनी के सॉन्ग और सोनेट्स में मिली। टोटल्स यहाँ पे पब्लिशर का नाम है, टोटल्स एक पब्लिशर है, ओके, जिसने सबसे पहले पब्लिश किया सोनेट्स को। और इसमें बहुत सारे पोइट्स थे, किसी एक पोइट ने इसको नहीं लिखा था, एक ग्रुप ऑफ पोइट्स के द्वारा इसे लिखा गया था। द सोनेट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस वॉट एंड हेनरी हॉवर्ड। अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया सर थॉमस वॉट ने और हेनरी हॉवर्ड ने। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ सोनेट की। सोनेट को बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले इटालियन एंड पेटार्कन सोनेट, जो सबसे फेमस सोनेट है। दूसरी आती है इंग्लिश एंड शेक्सपियरियन सोनेट, इसे आप इंग्लिश सोनेट भी बोल सकते हैं या शेक्सपियरियन सोनेट भी बोल सकते हैं। इन सब की अलग अलग राइम स्कीम्स होती हैं। नंबर सी स्पेंसेरियन सोनेट और नंबर डी है मिल्टोनिक सोनेट, नंबर ई टेंजरिमा सोनेट और लास्ट है कर्टेल सोनेट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये टोटल हो जाती हैं 6 तरह की सोनेट्स। अब सोनेट के कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन पेटार्कन सोनेट, जो पेटार्कन सोनेट थी उसमें कितनी लाइन हैं? तो दोस्तों उसमें होती हैं 14 लाइन्स। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ पेटार्कन सोनेट कॉल्ड, जो पहली 8 लाइन होती हैं पेटार्कन सोनेट की उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोला जाता है ऑक्टेव। नंबर थर्ड पॉइंट, लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ पेटार्कन सोनेट इज कॉल्ड, जो अंतिम 6 लाइन हैं उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें बोलते हैं सेस्टेट, यानी कि 8 एंड 6 के पैटर्न पर काम करती है पेटार्कन सोनेट। जॉन मिल्टन रॉट 24 सोनेट्स। दोस्तों जॉन मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट्स को लिखा, जबकि विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स को लिखा, यानी विलियम शेक्सपियर रॉट 154 सोनेट्स। इसमें से जो इन्होंने अपनी सोनेट्स को जो एड्रेस किया है मिस्टर WH और डार्क लेडी को इन्होंने एड्रेस किया है। नंबर 6 पॉइंट है द राइम स्कीम ऑफ द इंग्लिश और द शेक्सपियरियन सोनेट इज, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी राइम स्कीम क्या है, जो इंग्लिश सोनेट है या जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट बोलते हैं उसकी राइम स्कीम क्या होगी? तो दोस्तों उसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी, सी डी सी डी,
EF EF, इस तरीके से 12 लाइंस बनाती हैं क्वाट्रेंस, और लास्ट में GG, और ये बना देता है एक कपलेट। और कपलेट का हिंदी मीनिंग आपको पता ही होगा, इसे बोलते हैं हम दोहा। तो दोस्तों ये थी सोनेट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।